बॉलीवुड के फिल्मों का हालत सुधर रहा है या बिगड़ रहा है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल पड़ जा रहा है। ऐसा क्यों, हम आज बात करने वाले हैं सेल्फी मूवी के बारे में, जो कि बहुत ही खराब रिस्पांस कर रही है। इसके क्या रीजन हो सकते हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक बने। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी, वेलकम टू सिनेमा विद रिद्धि। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फी मूवी के बारे में, जो कि रिलीज हो चुका है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मूवी के अंदर, जैसा कि हमें देखने को मिलने वाले हैं अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, डायना पेंटी, जहाँ मूवी ने जम के अपना प्रमोशन किया। उसके साथ साथ मूवी के कई सारे गाने भी हिट हुए, लेकिन इसके बावजूद भी मूवी का वैसा रिस्पांस क्यों नहीं देखने को मिल रहा। जी हाँ, जहां मूवी का टोटल बजट 100 से 150 करोड़ के बीच में रखा गया था, वैसे ही अगर बात करें तो इमरान हाशमी इस मूवी में हमें फर्स्ट टाइम थोड़ा डिफरेंट लुक में नजर आ रहे हैं, जो कि थोड़ा हटके है। हर टाइम भी थोड़ा हमें अलग कैरेक्टर में नजर आते हैं, वहीं इस फिल्म में हमें वे बाप के रोल में नजर आने वाले हैं। और मूवी में मेनली यही देखने को मिलने वाला है, कैसे एक पिता अपने बेटे के लिए लड़ाई करता है। इसके साथ साथ उसका सबसे फेवरेट एक्टर यानी कि अक्षय कुमार, जो कि इसमें बने हैं, उनका नाम है विजय, जिनके एक सेल्फी के लिए इस पूरी मूवी का कंफ्यूजन है, जो कि गलत फहमी है कि क्या है, ये तो देखने के बाद ही पता चले। मूवी का प्रमोशन जो कि काफ़ी अच्छे ढंग से किया गया, लेकिन वहीं बात करें मूवी के बारे में, जैसा कि मूवी रिलीज हो चुका है, लेकिन मूवी बहुत ही खराब रिस्पांस के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखना पड़ रहा है। जी हाँ, जैसा कि मूवी का अगर हम फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, जो कि 2 करोड़ के अक्रॉस तक ही रह पाया है। और वहीं बात करें पठान के बारे में, तो पठान मूवी जो कि लगातार पैसे छापे जा रही है। आखिर क्यों अक्षय की सारी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, कभी इसके बारे में आपने सोचा है? मूवी रीमेक हो या ओरिजिनल, इससे मतलब नहीं होता है। मूवी के अंदर का कंटेंट क्या है, आखिर एक्टर कैसा कैरेक्टर प्ले कर रहा है, ये ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन अगर वही बात करें, अगर कोई भी एक्टर साल में अगर 4 से 5 मूवी बनाएगा, तो दर्शक देखने वाले भी उससे उब जाते हैं, जिससे कि उनकी अपेक्षा उस एक्टर से घट जाती है। इस टाइम अक्षय कुमार की सारी फिल्में ही फ्लॉप हो रही हैं। अगर वहीं बात करें तो अक्षय कुमार की एक ही फिल्म हिट हुई थी, वे है सूर्यवंशी। वहीं बात करें अगर सेल्फी मूवी के बारे में, जो कि एक मलयालम मूवी के ऊपर बेस्ड ऑन है, जी हाँ, उसी के सेम एज कॉपी पेस्ट किया गया है, जिससे कि हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, सेल्फी मूवी रीमेक है। मूवी की स्टोरी यही है कि एक बड़ा सा सेलिब्रिटी, जिसके कि लाखों दीवाने हैं, लाखों चाहने वाले हैं, वहीं उसमें से एक फैन है आरटीओ ऑफिसर यानी कि इमरान हाशमी, जो कि उसके एक सेल्फी चाहता है। वह उस एक्टर को इतना चाहता है कि उससे मिलना चाहता है, जैसा कि आमतौर पर लाइफ में होता है हम लोग की, कि हम लोग किसी भी सेलिब्रिटी के बहुत बड़े फैन होते हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। सेम एज ऐसा ही इसमें दिखाया गया है, जो कि इमरान हाशमी बहुत बड़े फैन रहते हैं अक्षय कुमार का, लेकिन बाद में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कि इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा विवाद खड़ा हो जाता है। और साथ ही साथ बात करें डायना पेंटी के बारे में, जो कि ज़्यादा उनका रोल देखने को नहीं मिला है, वहीं नुसरत भरूचा का भी रोल काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिला। मूवी के अंदर अक्षय कुमार की एक्टिंग ठीक रही है, जैसा कि वे एक सेलिब्रिटी हैं और उन्हें सेम एज यही इसमें भी एक्टिंग करना है, तो उन्होंने बखूबी निभाया है। और वहीं बात करें इमरान हाशमी के बारे में, जो कि बहुत अलग कैरेक्टर, उन्होंने पहली बार हमेशा हुए हमें लव बर्ड्स में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार फाइनली कुछ अलग रोल करते हुए नजर आए। आप सभी ने अगर ये फिल्म देख लिया तो आपको कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए सिनेमा विद रिद्धि में।